तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कि न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन, जैसे मैंने आपको बताया, न्यूट्रिशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है क्योंकि हमें खाने की ज़रूरत है जिससे एनर्जी बने। एनर्जी हमारी बॉडी में बहुत ज़रूरत है। अब एनर्जी कहाँ ज़रूरत है ये मैं बताती हूँ। एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ ऑर्डर इन आवर बॉडी, टू मेंटेन द बॉडी प्रोसेसेस। हमारी बॉडी में जो प्रोसेस चल रहा है, हमारी बॉडी का जो स्टेट है, वो एक वेल फंक्शनिंग होना चाहिए, सब अच्छे से फंक्शन होना चाहिए। अब अच्छे से फंक्शन करने के लिए या स्टेट ऑफ ऑर्डर रखने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब ये एनर्जी हमको रिक्वायर होती है किस लिए, हमको ये एनर्जी की ज़रूरत कहाँ है। एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ग्रो। एक तो पहला ग्रोथ, इट कैन बी ग्रोथ ऑफ बॉडी पार्ट्स, इट कैन बी ग्रोथ ऑफ एनी अदर थिंग। सो इट इज़ रिक्वायर्ड टू ग्रो, देन इट हैज़ टू डेवलप। अब सिर्फ ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट तो बॉडी का हो ही नहीं रहा है, उसकी भी बहुत ज़रूरत पड़ रही है। देन टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स, हमारी बॉडी में प्रोटीन्स का बहुत महत्व है जो आपका एनर्जी रिक्वायरमेंट में मदद करते हैं। एंड ऑल्सो सम अदर सब्सटेंसेज विच आर रिक्वायर्ड, विच आर एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन द एनर्जी। सो एनर्जी रिक्वायरमेंट इज ओनली फुलफिल्ड बाय द फूड वी ईट। हम जो खाना खाते हैं उससे हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी होती है। अब ये जो खाना होता है या जो हम खाते हैं, जब फूड विच इज सिंथेसाइज्ड, ना दिस फूड मटेरियल्स कहाँ से बन रहे हैं। एक तो हम पहले प्लांट्स की बात करें तो वो रॉ मटेरियल्स यूज करते हैं बाहर से। बाहर से मतलब बॉडी के बाहर से। विच आर द रॉ मटेरियल्स विच दे यूज, ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। अब न्यूट्रिशन, दो टाइप का न्यूट्रिशन की हम बात करने वाले हैं, न्यूट्रिशन जो ऑटोट्रॉफ्स करते हैं एंड हेटरोट्रॉफ्स करते हैं। उसके पहले आपको ज़रूरी है जानना कि ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं। ऑटो मीन्स खुद करना, खुद। सो जब ऑटोट्रॉफ, ट्रॉफ मीन्स बनाना, तो जब खुद जो खाना बना रहा है, दोज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ्स। कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो होते हैं ग्रीन प्लांट्स। अब ग्रीन प्लांट्स में ऐसी क्या स्पेशलिटी है, ग्रीन प्लांट्स हैव क्लोरोफिल। एक ग्रीन पिगमेंट होता है उनके पास जो क्लोरोफिल होता है, जो क्लोरोफिल इज यूज्ड फॉर मेकिंग फूड। अब कैसे, सिर्फ क्लोरोफिल से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। तो उनको क्या करना है, उनको रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत है, और वो रॉ मटेरियल्स उनको सराउंडिंग से मिलते हैं, हवा से मिलते हैं, सनलाइट से मिलते हैं। तो कौन से रॉ मटेरियल्स यूज़ करते हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, दूसरा वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में ही फूड बनता है बाय ग्रीन प्लांट्स। सो ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर फूड यूजिंग द रॉ मटेरियल्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सो ये जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, दे मेक देयर ओन फूड फॉर बेसिकली टू पर्पसेस। वन इज कार्बन रिक्वायरमेंट, सेकेंड इज एनर्जी रिक्वायरमेंट। हमारी बॉडी में जो पार्ट्स हैं उसमें कार्बन बहुत होता है, तो कार्बन रिक्वायरमेंट की ज़रूरत जब हमें पड़ती है, तो ग्रीन प्लांट्स व्हेन दे सिंथेसाइज फूड, फूड इज सिंथेसाइज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट इज गिविंग कार्बन रिक्वायरमेंट। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है, और वो कार्बन कंटेंट जितना ज़रूरत होती है बॉडी को उसको फुलफिल करता है। और प्लस इट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूसिंग लॉट ऑफ एनर्जी, एंड दिस एनर्जी रिक्वायरमेंट एंड कार्बन रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड बाय ग्रीन प्लांट्स। और बिकॉज ग्रीन प्लांट्स खुद बना सकते हैं खाना या खुद का फूड प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसलिए वो ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं, और इसीलिए वो न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के नाम से जाना जाता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो अगर जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन नहीं करते हैं उनका क्या, मतलब प्लांट्स को छोड़ दीजिए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, फंजाई हो गए, इनका क्या? तो ये क्या करते हैं, ये डिफरेंट टाइप से फूड एक्वायर करते हैं। ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स आर इनडायरेक्टली ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन ग्रीन प्लांट्स, तो वो इनडायरेक्टली ग्रीन प्लांट्स पे ही डिपेंड करते हैं जब उनको खाना बना लेने की ज़रूरत पड़ती है। सो दे व्हेन दे डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट और कार्बन रिक्वायरमेंट, दोज एनिमल्स आर कॉल्ड एज हेटरोट्रॉफ्स, एंड दो दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन।
So heterotrophic nutrition is a nutrition which on it's shown by animals, human beings and fungi, and they only depend indirectly on plants for their nutrients or for their nutrition, and therefore they are called as heterotrophic nutrition. Ab hum wapas mudte hain autotrophic nutrition ki taraf. Autotrophic nutrition, maine jaise bola, green plants prepare their own food. Now when they prepare their own food, what is that process called as? Aapne suna hi hai. That process is called as photosynthesis. Now photosynthesis ko agar main divide karti hu word ko, to photo means light, synthesis means prepare food, to prepare something. So to prepare food in the presence of light using raw materials, carbon dioxide and water, is called as photosynthesis. So ye jo process hai photosynthesis, it is seen only in green plants. Ab ye photosynthesis raw materials kahan se late hain? Raw materials kaun se hote hain? So the raw materials used for photosynthesis are coming from the surroundings, and the sunlight, in the presence of sunlight, this chlorophyll works on the carbon dioxide and makes carbohydrate. This is called as photosynthesis. And then photosynthesis gives out large amount of energy also. Ab ye jo energy used hai, that energy can be utilized for various purposes. So photosynthesis kya kar raha hai? Photosynthesis mein carbon dioxide and water react kar rahe hain. Main aapko reaction bhi likh ke dikhati hun. Jaise ki maine bola ki photosynthesis process green plants mein dikhte hain, and green plants are able to make their own food in the form of carbohydrates. ये carbohydrates कहाँ use किए जाते हैं? Carbohydrates react with oxygen to produce large amount of energy. अब जो carbohydrate use नहीं होते हैं, उसका क्या? So the carbohydrates which are not used immediately, they are stored in the form of starch. आपको मालूम होगा कि plants में starch होता है. तो ये जो starch होता है, actually it is a reserve energy content of the plant. जब प्लांट को पानी नहीं मिला या कोई फूड नहीं बना या किसी रीज़न के वजह से सूख रहे हैं, तो कहाँ से वो एनर्जी लेते हैं? तब ये स्टार्च जो होता है, दैट गेट्स कन्वर्टेड टू एनर्जी, एंड फ्रॉम देयर द एनर्जी इज यूटिलाइज्ड. तो ये हुआ प्लांट्स में कि प्लांट्स का रिजर्व किस में रखा होता है, किस में रिजर्व एनर्जी किस में होती है? स्टार्च में. और हमारी बॉडी में रिजर्व एनर्जी कहाँ होती है? हमारी बॉडी में रिजर्व एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. तो वो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि ग्लाइकोजन में कैसे हमारी रिजर्व एनर्जी यूटिलाइज होती है. अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो रॉ मटेरियल्स हैं, दे आर रिएक्टिंग विथ ईच अदर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. मैंने बताया क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट प्लास्ट पार्ट ऑफ द प्लांट, एंड दैट इज द ग्रीन पिगमेंट. सो रिएक्शन से अगर मुझे दिखाना हो तो आई कैन शो दैट carbon dioxide reacts with water in the presence of sunlight and chlorophyll, forming carbohydrate in the form of glucose and oxygen. So ye jo reaction hai, this is the reaction for photosynthesis. Agar aapko question aata hai ki show the photosynthesis with the help of a reaction, then you will write this reaction. And always write, hamesha yaad rakhiye, jab aap reaction likhenge to usko balanced form mein hi likhna hai, नहीं तो वो पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं. सो CO2 प्लस H2O गिव्स C6H12O6, दैट इज द कार्बोहाइड्रेट एंड O2. यहाँ मैंने बैलेंस करके उसको बनाया है, 6CO2 प्लस 6H2O गिव्स C6H12O6 प्लस 6O2. ये है रिएक्शन विच शोज द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. अब लाइन वाइज इवेंट वाइज फोटोसिंथेसिस होता कैसा है वो तो जनरल आपको मालूम चल गया कि सनलाइट भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, वाटर भी है, सब है. लेकिन व्हाट आर द इवेंट्स, हाउ इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इट हैपेंस, कैसा ऑर्डर होना चाहिए जैसे वो फूड बनेगा? तो मैंने आपको ऑर्डर में लिख के दिखाया है द इवेंट्स टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. कौन से ऐसे इवेंट हैं जो फोटोसिंथेसिस के दौरान हो रहे हैं? तीन मेजर इवेंट हैं. पहला, लाइट नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा. सो फर्स्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी यूजिंग क्लोरोफिल. तो आपको क्वेश्चन आ सकता है विच पार्ट ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब्स सनलाइट. सो जब मैंने यहाँ लिखा
कि क्लोरोफिल इट द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी यूजिंग क्लोरोफिल दैट मीन्स द क्लोरोफिल इज द पार्ट विच एब्जॉर्ब्स द लाइट एनर्जी. ये हो गया पहला इवेंट या पहला ऑर्डर. दूसरा इवेंट है उसमें दो भाग हैं. दूसरे इवेंट में क्या होता है, जो लाइट एनर्जी तो एब्जॉर्ब कर ली, अब ये लाइट एनर्जी ऐसे ही रहेगी क्या? नहीं, इसको तो केमिकल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी इज डन. अभी कन्वर्जन लाइट एनर्जी तो मैंने ले ली, क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब कर ली, अब ये लाइट एनर्जी को प्लांट के अंदर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना है. सो इट कन्वर्ट्स द लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी. ये एक पहला हुआ. सेकेंड इवेंट में दूसरा भाग हुआ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. स्प्लिटिंग मीन्स तोड़ना, अलग होना. सो जब पानी को, पानी भी तो एब्जॉर्ब हुआ है, सो जब पानी लिया है हवे से लिया हो या वाटर मॉलिक्यूल से, पानी सॉइल से लिया हो, तो दैट वाटर मॉलिक्यूल हैज़ टू बी डिवाइडेड इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. क्यों डिवाइड करना पड़ेगा? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट बनना है. पानी ऐसे ही रखेंगे तो अगर हमको हाइड्रोजन की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो कहाँ से मिलेगा? तो दो पार्ट हैं सेकेंड इवेंट में. पहला तो लाइट एनर्जी हैज़ टू बी कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी, ठीक है. और दूसरा इवेंट, दूसरे सेकेंड इवेंट का दूसरा भाग है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर. वाटर H2O, जैसे में हम कहते हैं वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्मूला है H2O, तो H2O में हम जब डिवाइड करेंगे स्प्लिट हो जाएगा पानी पानी, तो वो बनता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ये हुआ सेकेंड इवेंट. थर्ड मेजर इवेंट क्या हुआ? अब जो कार्बन डाइऑक्साइड भी तो एब्जॉर्ब हुई थी, इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना है? दिस कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ टू बी रिड्यूस्ड टू स्टार्च, और यू कैन से इट हैज़ टू बी रिड्यूस्ड टू कार्बोहाइड्रेट. तो तीसरा जो इवेंट है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स. तो तीन मेजर इवेंट. ये एक क्वेश्चन हमेशा आता है, राइट द इवेंट्स इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मीन्स कैसे होना चाहिए, ठीक है. तो हमको ये याद रखना है कि योर आंसर, आपका आंसर हमेशा रिएक्शन से चालू हो. आप लिखेंगे व्हाट इज फोटोसिंथेसिस डेफिनेशन, उसके बाद आप रिएक्शन लिखेंगे, रिएक्शन के बाद आप लिखेंगे इवेंट्स टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. पहला इवेंट एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय फोटोसिंथेसिस. दूसरा इवेंट, दूसरे इवेंट में दो भाग हैं. एक तो भाग है कि लाइट एनर्जी हैज़ टू बी कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी, और दूसरा भाग है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. और थर्ड इवेंट क्या है? थर्ड इवेंट है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड इट जनरली कम्स किसी ना किसी रूप में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है. सो आपको ये दो तीन बार समझना पड़ेगा कि ये तीन इवेंट्स क्यों इतने इम्पॉर्टेंट हैं. तीनों इवेंट्स इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि प्लांट इज मेकिंग फूड, एंड दिस फूड इज बीइंग मेड फ्रॉम टू रॉ मटेरियल्स. ये रॉ मटेरियल्स को भी तो डिवाइड करना पड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को भी स्प्लिट होना है, वाटर को भी स्प्लिट होना है, एंड देन कार्बोहाइड्रेट इज फॉर्म्ड. दीज आर द थ्री इवेंट्स इन द फोटोसिंथेसिस. मैंने आपको एक ऑर्डर बताया जिस ऑर्डर से ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, लेकिन बहुत ज़रूरी नहीं है कि हर प्लांट को इसी ऑर्डर में फॉलो करना है. जैसे आपको देखेंगे डेजर्ट एरिया में, डेजर्ट एरिया में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट होती है, स्ट्रॉन्ग हीट होती है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इज जनरली एब्जॉर्ब्ड एट नाइट. रात में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड एक कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बोहाइड्रेट के बीच का एक लेवल कुछ इंटरमीडिएट बनाता है, उसके बाद दिन में सनलाइट उस पर एक्ट करता है. सो इट इज नॉट ऑलवेज दैट दिस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मे बी फॉर्म्ड, मे बी फॉलोड. ये कहीं कहीं परिस्थिति के हिसाब से, सराउंडिंग के हिसाब से, दिस कैन बी वन नॉट वन आफ्टर द अदर, बट इट कैन बी हैपन दैट कार्बन डाइऑक्साइड पहले एब्जॉर्ब करके रख ली, बाद में सनलाइट को लाइट एनर्जी और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया गया. सो इट इज़ पॉसिबल इन डेजर्ट प्लांट्स. अब हम देखें कि हमको यहाँ ज़रूरत किस चीज़ की है. एक तो लाइट की बहुत ज़रूरत है, और दूसरे कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज़रूरत है. तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बन लेते हैं, तो ये प्लांट्स कहाँ से लेते हैं? नाउ ऑल प्लांट्स हैव अ स्मॉल पोर ऑन द लोअर साइड ऑफ द लीव्स एज वेल एज द ब्रांचेस. हर प्लांट के लीफ के निचले बाजू में, स्पेशली द डाइकॉट प्लांट के निचले बाजू में बहुत सारे स्मॉल पोर्स रहते हैं, उनको कहते हैं स्टोमेटा.
द स्टोमेटा आर द स्मॉल पोर्स थ्रू विच द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस. एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेना, कार्बन ऑक्सीजन देना बाहर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड देना. ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा. स्टोमेटा का एक और काम है, स्टोमेटा हेल्प्स इन द ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर. ट्रांसपिरेशन मीन्स एक्स्ट्रा वाटर जो प्लांट में बनता है उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन, और वो ट्रांसपिरेशन भी थ्रू स्टोमेटा ही होता है. अगले भाग में हम देखेंगे कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दी जाए तो क्या फोटोसिंथेसिस हो सकती है, और अगर सनलाइट नहीं प्रोवाइड किया जाए तो क्या ये कार्बोहाइड्रेट बन सकता है. इस पे हम एक एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा आपको समझाएंगे कि ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट कितना ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए.